हेलो सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहसान और आप सब देख रहे हैं अहसान चेक ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं पीपल स्क्वायर पाकिस्तान चौक पर। आए यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह की जगह ये अभी हाल ही में बनाई गई है। 2023 में इसका अफ्तिताह हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है ये, आपके पीछे देखें, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी जगह है। और जो है ना फ्री है, यहाँ पर कोई टिकट वगैरह भी नहीं है। पार्किंग एरिया भी है इसके, काफ़ी अच्छा है। एक साइड ये है और एक दूसरी साइड है, चले आपको वो भी दिखाते हैं। चौक से यहाँ से ये पाकिस्तान चौक से रास्ता आ रहा है, यहाँ से भी आ सकते हैं। और एक दूसरी साइड पे भी इंटरेस्ट है जो कि आपका इनकम टैक्स ऑफिस के बिल्कुल सामने से आ रही है। अच्छा, ये हमारा एक इस एक जगह ये है, यहाँ पे सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आप रात को बैठ सकते हैं, ये वॉक करने के लिए जगह बनाई हुई है, काफ़ी अच्छा ट्रैक बना हुआ है। ये सारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग बैठे हुए भी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बेहतर ये जगह। ये आपका डीजे सिंह गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी बैक साइड है। और ये हमारा, चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। बच्चों का जो प्ले एरिया भी है, लेकिन वो दूसरी साइड पर। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे कैंटीन वगैरह ही बनी हुई है और लोग ये देखने बाइकें भी लेके आ गए हैं, क्योंकि एक गेट पे जो है इनके वहाँ पे सिक्योरिटी है और दूसरे गेट पे जो है वहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ बैरियर लगे हुए, तो वहाँ से लोग बाइक भी अंदर लेके आ रहे हैं बैरियर हटा के। अच्छा, एक गेट ये भी है जो कि डीजे साइंस कॉलेज की तरफ से भी आ रहा है। और अगर आप इस तरफ चले जाएँ तो ये जो है आपका शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ रोड जा रही है, वो रोड है। तो ये पूरा यहाँ पे कैंटीन वगैरह ही बनी हुई है। अच्छा, ये बच्चों का प्ले एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, एक साइड से ही है। यहाँ पे सारे जो है ना बच्चों का प्ले एरिया ये, और ये बच्चे यहाँ पे खेलने भी लगे हैं। काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे कोई एंट्री के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं जैसे कि सारे झूले वगैरह हैं बच्चों के। पीपल स्क्वायर इस जगह का नाम है और ये है सदर में पाकिस्तान चौक के पास, और डीजे साइंस कॉलेज से बिल्कुल साथ ही है ये। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इसका। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, अगर आप यहाँ पे आके मतलब फैमिली के साथ खाना वगैरह खाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे रात में खा सकते हैं। ये देखें, काफ़ी झूले वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, काफ़ी स्टॉल्स हैं खाने पीने के। ये देखें, काफ़ी अच्छी जगह बनाई है सिंह गवर्नमेंट ने ये। वर्कशॉप वगैरह, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो है ये नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो यहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क करके, बाइक हो या कार हो, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये जो आपकी बिल्डिंग दिख रही है, ये आपका इनकम टैक्स जो ऑफिस है उसका, FDR का ऑफिस है, इसकी बिल्डिंग है ये। और ये जो है ये पार्क है, साथ ही ये आपकी शाइन कॉम्प्लेक्स दिख रही होगी इसकी बैक साइड पे। यहाँ से इस पार्क में भी एंट्री है यहाँ से, लेकिन अभी गेट बंद है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ, फुहारा लगा हुआ है, अभी तो चल नहीं रहा, अभी बंद है। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इनका सिटिंग एरिया है, ये तख्त वगैरह लगे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये फैमिली के लिए, अगर शाम वाम में या रात में आप आना चाहें तो आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ ये,
अभी तो यहाँ पे खैर दिन का टाइम है तो अभी इतना पूरी तरह से ओपन नहीं है, ओपन कर रहे हैं इसको तो अभी तैयारियाँ हो रही हैं, चेयर्स वगैरह लगाई जा रही हैं। मैं आपको दूसरी एंट्रेंस भी दिखाता हूँ जो यहाँ से है, यहाँ पे जो गार्ड वगैरह हैं जो पहले वाली जहाँ से मैंने पहले जॉब की दिखाई थी पाकिस्तान जॉब से जो एंट्रेंस है वो वहाँ पे गार्ड वगैरह नहीं है, तो वहाँ से लोग से वहाँ से बैरियर लगे हैं, वहाँ से लोग जो है ना अपनी बाइकें वगैरह भी अंदर लेके आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है लेकिन बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हैं। काफ़ी बेहतरीन जगह बनी हुई है। अच्छा ये जो है ना इसकी मेन जो है ना एंट्रेंस आप समझ लें ये वाली, और ये जो रोड आ रहा है ना ये आ रहा है सीधा आर्ट काउंसिल से, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो ये आर्ट काउंसिल जा रहे हैं आप, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से ये ऐसा लगता है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा पीपल स्क्वायर का, तो मैंने आपको पीपल स्क्वायर दिखाया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।